बिग बॉस 13 के घर में बीता हफ्ता खूब लड़ाई झगड़ों से भरा निकला। जी हां, वहीं वीकेंड के वार में सलमान खान ने आकर असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की जमकर क्लास लगाई, क्योंकि दोनों ने ही गलती की और एक दूसरे से खूब लड़ते दिखाई दिए थे। घर में नए हफ्ते के साथ ही नई शुरुआत भी हो चुकी है। घर में कल रात से ही पारस छाबड़ा की क्लास भी लगी पड़ी है। बीती रात ही असीम रियाज के साथ पारस की कहा सुनी हुई और इसके बाद तो असीम ने जैसे उन्हें चैन से रहने ही नहीं दिया। दरअसल पारस छाबड़ा ने लड़ाई के बीचों बीच असीम रियाज के स्टेटस को लेकर कुछ अपमानजनक बातें कही थी। पारस की ये बातें सुनकर असीम रियाज से रहा नहीं गया और उन्होंने उनकी क्लास भी लगाना शुरू कर दिया। वहीं लग्जरी बजट टास्क के दौरान भी पारस छाबड़ा काफी हिंसक नजर आए थे, जिसके चलते आज घर वाले उन्हें आपसी सहमति के आधार पर जेल में भेजने का फैसला लेंगे। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि पारस छाबड़ा जेल में जाने से इनकार कर देंगे। यहाँ तक कि बिग बॉस भी कई दफा उनसे अनुरोध करेंगे कि वह घर वालों का फैसला मानकर जेल चले जाएं। लेकिन बिग बॉस के बार बार चेतावनी देने के बाद भी पारस छाबड़ा उनकी बात नहीं माने और ऐसे में बिग बॉस रात में ही पारस छाबड़ा को दंड देने वाले हैं। बिग बॉस 13 के सेट से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पारस छाबड़ा गार्डन एरिया में ढेर सारे जूते पॉलिश करते नजर आ रहे हैं। ताज़ा जानकारी की माने तो पारस बिग बॉस का आदेश नहीं मानेंगे, जिसके चलते उन्हें सजा के तौर पर कई गंदे जूतों को साफ करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पारस छाबड़ा इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। वहीं पारस के साथ साथ आरती सिंह, हिंदुस्तानी भाव मायरा शर्मा, शेफाली और शहनाज गिल भी इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। जिस तरह से पारस छाबड़ा ने पूरे हफ्ते घर में हंगामा मचाए रखा है, उससे तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि सलमान खान इस वीकेंड का वार पर उनकी जमकर क्लास लगाने वाले हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।